यार हम लोग इतने दिनों से इधर से बस उधर ही हो रहे हैं। बहुत लंबा सफर हो गया है। बहुत ही थक गया हूँ मैं। अरे शहर, वाह यहाँ पे तो मस्त मस्त घर है भाई। जैसे हम लोग टीवी में देखते थे, देखो पूरा घर, बापरे साइकिल खंबे पे लगी हुई। अरे बापरे भाई पार्किंग मना है। अरे बाप भाई देखो कितना अच्छा घर है सारे। मुझे माफ कर दो भाई। अरे बापरे ये भी एक है, ये तो झुलवा है। अरे बापरे भाई बचाओ, सबसे पैदल आदमी, एक मिनट तो रुक जा। अरे मुझे लगता है ये लोग सो रहे हैं। अरे इसने मेरा हाथ दबोच दिया, छोड़ ही नहीं रहा है ये तो। जल्दी काम करो, अरे ना बाबा सबर करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। ये तो बस एक पुतला है, ये कार थोड़ी ना सकता है। अरे भाई ये मैं मजाक कर रहा था। अरे सुन जाना, वाह ये तो मेरे पसंदीदा चीज है। चलो फुट लो जरा यहाँ से, लाल तो मेरे मुंह में भी टपक रही है। अरे तुम्हारा सामान तो लेकर जाओ। चलो यार हमें वापस करना होगा उस बच्ची का खिलौना। ये तो कमाल हो गया भाई, एक लड़की मिली वो भी आपसे डर के भाग गई बेचारी बच्चे। वाह कितनी अच्छी खुशबू है भाई। ताजी ताजी इडली ले लो, इडली ले लो, ताजी ताजी इडली ले लो, खा लो जल्दी ले लो, खाओ एक बार खाओगे तो पेट भरने को। ए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? डब्लू तुम बिना पूछे किसी का भी खाना इस तरह नहीं ले सकते। चलो अब उस इडली वाले से माफी मांगो। माफी चाहता हूँ सर, बहुत लंबे समय से हमने सूता नहीं ना खाना इसके लिए। ये रहा खाना। स्वादिष्ट है। अरे वो देखो, वो देखो वहाँ पर है भालू, जल्दी देखो। छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। ये आखिर चाहते क्या है भाई? वो देखो, वो देखो, खड़े रहो, चलो चलिए भागो। अरे उस तरफ भाग रहे हो, रुको, अरे तुम उस तरफ जाओ भाई साहब, जगह ही लेंगे उस तरफ। अब हम लोग सुरक्षित हैं, चुप रहो, अपनी आवाज नीचे रखो। वहां देखो डब्लू, वो मम्मी मम्मी। अरे ये तो नन्हे से प्यारे से बच्चे ही है, अभी इसका खिलाड़ी वापस जाकर जाता हूँ।
इसको दूध का खिलाना तो खुशी के बारे पागल हो जाएगी। क्या तुम लोगों को वो भालू मिले? नहीं अभी तक नहीं। नहीं अभी तक नहीं। दोनों को ढूंढ रहा हूँ बस। ठीक है। ओह हाँ जल्दी आओ। सब शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने घर के अंदर रहे। भालू अभी भी खुले घूम रहे हैं। ये सूचना जनहित में जारी है। शहर में भालू आगे बाप रे बाप, ये शहर है क्या? मैं तो सिर्फ ये छोटा सा खिलौना उस नल्ले से बच्ची को देना चाहता हूँ। ये शहर के लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं यार भाई? मैंने पहले ही कहा था शहर में खतरा है, अब चलो यहाँ से। नहीं हम लोग ऐसे नहीं लौट सकते। उस मासूम से परी का खिलौना गुम हो गया है। अगर ये उसे नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाएगा भाई। हाँ ठीक है। एक और जरूरी सूचना, जंगली जानवर शहर में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके रहे, बाहर ना निकले। क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कुछ चल फिर रहा है? तुम्हारा दिमाग का स्क्रू गिर गया है क्या? ये भौंडे वाले ये भौंडे लेके घूम रहा है। रास्ता साफ है, एकदम भीगा। अरे दोस्तों सुनो, क्या आपने किसी भालू को देखा? नहीं देखा। ठीक है शुक्रिया। जरा सुनो, आपके पास लाइटर है? लाइटर लाइटर ये देखो। नहीं 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 ये नहीं 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 ये नहीं। और ये? अरे नहीं भाई, तुम लोगों के प्रॉब्लम क्या है? अरे वो कुछ नहीं, अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया पासा। भाई मैंने सुना है नोट तो बंद हो गए। ये लोग तो अच्छे मालूम होते हैं। चलो। हैं? अरे ये नोट तो फटा हुआ है, नाटकखोर। मुझे मिल गया भालू भाई। भालू 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 पकड़ो भालू। डब्लू ट्रक पे चढ़ जाओ जल्दी। अरे पकड़ो को, इसे भागना न पाए, भागना न पाए। अरे पकड़ो इसे, कोई पकड़ो। अरे भालू जाड़ी है, भालू बढ़िया, लगता है कि वो चले गए। मैं इसे पहले यहाँ पे रखता हूँ। अरे क्या बात है, अब घर के लिए निकलते हैं। ठीक है। वो देखो, वो देखो खड़े दोनों भालू। ये क्या? वो देखो, ये तो पगले भालू। भागो भागो, मत हमारे शहर में तो कर रहे हैं। पकड़ो ना ये लो, मारो आगे गली में टेढ़ी में। मारते रहो बस, मारते रहो, छोड़ेंगे। लगता है नोट बंद होने का मेरा गुस्सा आप पर उतर रहा है ना। रुको, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। पकड़ लो सालों को। अरे मम्मी देखो मेरा खिलौना, मम्मी देखो ना मेरा खिलौना मिल गया। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। मेरा खिलौना मिल गया, मेरा खिलौना मिल गया। चलो बच्ची तो खुश हो गई। एकदम सही बोला भाई। आओ दोस्तों मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को एक बढ़िया जगह लेकर चलूंगा। आओ चलो।
भाई हम कहाँ जा रहे हैं? ए, तुम कौन हो? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग इस शहर में मुझ जैसे सुपरस्टार को नहीं पहचान सकते क्या? क्या तुम लोगों को सच में नहीं पता है? ये जगह है कहाँ? मेरे पीछे चलो, अब हम यहाँ पहुँच गए। ये वो जगह है जहाँ सारे कूल जानवर अपनी जिंदगी जीते हैं। ये सर्कस। वो तो बहुत बढ़िया होना भी चाहिए। वैसे भी धर्मपाजी हमारे सर्कस के सबसे तगड़े पहलवान है। सच में? अरे हाँ, ये छोटे मियाँ, वो एक छोटा कछुआ है। शानदार था। ये छोटे मियाँ। तो यहाँ पर और कौन रहता है? अरे तुम अभी आए हो, चलो काम पर लगो। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बिल्कुल, मैं सर्कस के सबसे प्यारे मेंबर से तुमको मिलाना भूल गया। ये लेडी नताशा। ये तो बहुत ही सुंदर है। हाय, मेरा नाम डब्लू है। हम दिन भर बात कर रहे हैं, चलो चले। बिल्कुल। ए, हमारे लिए रुको। ये लो। हेलो, कैसी हो जाने मन? मुझे फूलों से एलर्जी है। हाँ, गंदे बालू। और वैसे भी फूल मुरझा जाते हैं। मुझे लगता है सेब बेहतर होते हैं। अगर मैं एक सेब लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वाह, तुम तो खूबसूरती की परिभाषा हो। मुझे देखो। नहीं, पागल है। मुझे लगता है मुझे जुकाम होने वाला है। ए नताशा, ये देखो, बढ़िया है ना? ये देखो। अरे भालू, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ये कर्तव्य तो देखो। सड़े हुए ये दोनों भालू मुझे बिल्कुल पसंद ना आए। तुम्हें लगता है वो नाराज है? बिल्कुल है, बेवकूफ भद्दे भालू, दफा हो जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी गलती है। बोलना। सब तुम्हारी गलती है। मुंह बंद करो अपना। दिमाग लड़ाओ। वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहते हो? तो बेहतर होगा अगर माफ। क्या कहा? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? याओ याओ। क्यों नहीं तुम? तो ठीक है फिर, अगर हम ये कमरा साफ कर दें तो उसे हमें माफ करना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये तो एकदम साफ है। मैं इसे पूरी तरह बदल दूंगा। ये हमारा घर तो किसने क्या किया? अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो छोटे मियाँ मुझे माफ कर ही देगा। बहुत ही आसान है। आ,
जरा देखो तो तुम्हें, इसे ऐसे कर दे मेरे भाई। मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। बकवास, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो। मैं थक गया। मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, माफी चाहूंगा लेकिन मुझे बहुत काम कराना पड़ेगा। अब मुझे रिपेयर के लिए कुछ सामान लाना होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, याद रखो मेरे आने तक इस पहिए को हाथ मत लगाना। ठीक है, मैं समझ गई, जल्दी आना। अब इसे कहते हैं एक असली मर्द। नताशा, 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 मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नताशा, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ, मेरे पास मेरा सारा सामान है। मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। उल्लू का बैठे नताशा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। मेरा नाम ही हैंडीमैन है। नताशा, मुझे करने तो ठीक है, मेरा भरोसा करो। मैं करूंगा, मैंने कहा मैं करूंगा। अच्छा, मैं करूंगा। नहीं, जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं चाहती हूँ सिवाय इस केक की। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। निकलो। क्या ये शाप है? अब मैं क्या करूं जो मैं इतनी खूबसूरत हूं तो? अच्छा लगता है खूबसूरती के मामले में सबसे बुरी किस्मत मेरी ही है। अरे मेरी गेंद, अरे मेरी बॉल तो सुरक्षित है। सुना वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? मेरी मदद करो, मुझे निकालो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ नताशा? अंकल मुझे यहाँ से निकालो। छोटे मिया, तुम इसके नीचे क्या करने गए थे? आप ये नहीं जानना चाहेंगे, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं यहाँ दबके मर जाऊंगा। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सोच रहा था की अरे मेरा पीठ, अब मैं जवान नहीं रहा। अरे यार ये मासूम छोटे मियाँ, काश यहाँ पर धर्मपाजी होते। हमारे हमारे लाजवाब, ये तुम लोग हो, बिल्कुल सही बताशो। शानदार, MFSNB इसकी पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। बेचारी बेचारी नताशा, क्या मैं उसको सांस दूं? दोनों को ये भी नहीं पता कि छोटे मियां वहाँ फंसा हुआ है। अगर इन दोनों ने मेरी मदद नहीं की तो आज तो मैं गया। छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां, काम हो गया नताशा। धर्मपाजी तुम तो लाजवाब हो। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं छोटे मियाँ, इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम जब तक जाओ यहाँ रुक सकते हो, पर तुम दोनों को तमीज से यहाँ रहना होगा। सच में अनुशासन तो मुझ में कूट कूट के भरा है। नहीं नहीं नहीं, यार हुआ साथ में अनुशासन तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन दुबाल हुआ? मैं तो डिसिप्लिन का देखता हूँ, तुम जानते हो ये सच है भाई। तुम खड़े खड़े सरेआम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा कमरा मेरे कमरे से दूर है।